वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, ये भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट है। हमने यूरोप के सारे देशों को पछाड़ दिया है, ये ठीक है, हमारा टारगेट बड़ा है, हम 130 करोड़ देश हैं, लेकिन वैक्सीन की बात करें तो अभी 17 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है पर महीने, ये बढ़ करके 22 करोड़ होगा, फिर आगे बढ़ करके 30 करोड़ होगा, फिर 40 करोड़, दिसंबर तक हम 135 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और काउंटर किसके लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लगे हैं वैक्सीनेशन काउंटर। लगाने के लिए कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। यानी मानवता के काम का, हम राजनीति सिर्फ हम इलेक्शन नहीं लड़ते, हम मानवता का काम करते हैं, हमारा दायरा बहुत बड़ा है। और उसी दायरे में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, यह भी उसमें शुरू हो रहा है। 2 लाख गांवों तक हमने पहुंचना है और लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स इसमें सम्मिलित होंगे। और मुझे खुशी है कि 48,000 से ज्यादा, अभी मेरे पास जो है 48,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जमीन पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, जमीन पर टैंकर चले, जल में शिप्स चली और वायु में हवाई जहाज से टैंकर्स को लेकर के वहां पहुंचाया गया। आपको पता है एक हफ्ते में 1400 उड़ानें भरी हैं भारत के एयरफोर्स ने, 1400 आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी। और उस समय कुछ लोग ये राजनीति कर रहे थे कि जहां 400 मेट्रिक टन की जरूरत थी वहां 700-900 का हल्ला कर रहे थे और पैनिक क्रिएट कर रहे थे। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन में जुटा हुआ है, पूरी ताकत से वो काम में लगा हुआ है और वो काम करता रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आयाम बहुत बड़ा है। हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं और मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रहे हैं, देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा। सेवा ही संगठन दुनिया का सबसे बड़ा सेवा कार्य हुआ है। और बाकी सब देशों में कोरोना की लड़ाई गवर्नमेंट ने लड़ी, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत में भारत के समाज ने ये लड़ाई लड़ी सरकार के साथ मिलकर। बाकी सब जगह व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग यही चलता रहा, लेकिन यहां पर समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना, और इतना ही नहीं राज्य सरकारों को साथ लेकर के चलना, ये प्रजातंत्र देश है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इतनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने डिस्कशन की, उसके डिस्कशन के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा पाए।